Morning to all the students. Today we will discuss on the topic of class 8, that is force and pressure. First we will discuss what is force. Force can be described as push and pull on an object are called force. The example of force is opening a door, hitting a ball are the example of force. हम कैसे समझ सकते हैं फोर्स को? जब भी हमको कोई वर्क को कंप्लीट करना पड़ता है तब हम उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। जैसे कि अगर मुझे नीचे से कोई पेन को उठाना है तो मुझे बैंड होना पड़ेगा, मेरे हैंड को यूज करना पड़ेगा, हैंड के फोर्स को यूज करना पड़ेगा, तभी मैं वो पेन को पिक कर सकती हूँ। अगर मुझे डोर ओपन करना है तो मुझे डोर को अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा, तभी मैं वो डोर को ओपन कर पाऊंगी। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? फोर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट हम देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देयर आर टू स्टेट्स, रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट। रेस्ट स्टेट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जब तक उसी पोजिशन में रहेगा, रेस्ट पोजिशन में रहेगा, जब तक कि हम उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर कोई बुक टेबल पे रखी है तो वो बुक जब तक टेबल पे रहेगी जब तक उसको कोई भी मूव नहीं करेगा। मोशन, मूविंग स्टेट क्या हो गया? अगर कोई जो कार है वो रोड पे चल रही है तो वो कार कैसी है? मूविंग स्टेट में है, दैट मीन्स वो कार मूव हो रही है। तो ये दो स्टेट्स हो गई, रेस्ट स्टेट एंड मूविंग स्टेट। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई बच्चे को टायर को मूव करना है, कंटिन्यूअसली रोटेट करना है, तो उसको उस टायर पे फोर्स लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली हिट करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा उस टायर को रोटेट कर पाएगा। सेकेंड क्या होगा? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। इसका हम एग्जाम्पल घर में ही देख सकते हैं कि जब हम टूथपेस्ट के में से पेस्ट को निकालते हैं तो जो टूथपेस्ट रहता है उसके कवर का जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। अगर हम किसी बैलून को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जो दोनों हैंड से दबाएंगे तो जो उसका बैलून का शेप है वो चेंज हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। वॉट इज कॉन्टेक्ट फोर्स? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज देर इज ए इंट्रेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स डू नॉट नीड एनी इंट्रेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। वॉट इज मस्क्यूलर फोर्स? फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी बकेट को वेल में से निकालना है फुल ऑफ वॉटर, तो मुझे मेरे हैंड का यूज करना पड़ेगा उस बकेट में के ऊपर की तरफ पुल करने के लिए। तो मैंने किसका हैंड यूज किया? मेरे हैंड मसल का यूज किया, तभी मैं वेल से उस बकेट को बाहर निकाल पाई। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल अराइजेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स को होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है। जैसे कि अगर हम वॉक कर रहे हैं, तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारे फुट जो है और फ्लोर है दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता है। जब कॉन्टेक्ट होता है जब ही हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। अगर कुछ ऑयल वगैरह अगर फ्लोर पे गिरा हुआ है तो हमारे और हमारा लेग उस पे पड़ता है, तो हमारे फुट का और फ्लोर का कॉन्टेक्ट मिस हो जाएगा, जिसके कारण हमारे स्लिप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया कि जब हम बाइसिकल को राइड करते हैं तो जो बाइसिकल है उसका जो टायर्स है और जो रोड है उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता है, जिसके कारण ही जो टायर है वो आगे की तरफ मूव हो पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नॉट नीड एनी इंट्रेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। द एग्जाम्पल इज मैग्नेट एंड नेल्स। जब भी हम मैग्नेट को नेल्स के पास में ले जाते हैं तो वो डिस्टेंस से ही नेल्स अपनी तरफ, जो मैग्नेट है वो नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Now, what is magnetic force? Opposite poles of two magnet attract each other and same poles repel each other. That means, जो दो अगर हमारे पास दो magnet है, दोनों में magnets में एक north pole होता है और एक south pole होता है। अगर north pole दूसरे magnet के north pole से attract अगर जाएगा तो वो एक दूसरे को repel करेगा। मगर एक magnet का north pole दूसरे magnet के south pole से अगर close जाएगा तो वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेगा. सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और वी कैन से अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी. द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन से इज अ कॉम्ब एंड अ पेपर. हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्ब है और हम पेपर को लेंगे, पेपर को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टियर करके हम उसको टेबल पे रख लेंगे, फिर हम हमारे हेयर्स को कॉम्ब करेंगे और फिर उस कॉम्ब को पेपर्स के पास में लेके जाएंगे, तो पेपर्स क्या होंगे, स्लोली स्लोली अट्रैक्ट होना कॉम्ब में स्टार्ट हो जाएंगे. ये किसके कारण होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ मून सन एंड अदर प्लैनेट्स टू ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वेन वी थ्रो एन बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन इट कम्स टू दी ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे अर्थ में ग्रेविटी होती है, उसी के कारण, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वापस से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके नीचे की तरफ आने लगती है. अब हम एक बार रिकॉल करेंगे व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट आर्क और फोर्स. देर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस अवर सेकेंड टॉपिक प्रेशर. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड प्रेशर. दैट मीन्स हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया. कितना फोर्स हम एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हैं जिससे कि हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हमारे प्रेशर को. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक एप्पल को कट करना है तो हम उस एप्पल को कट करने के लिए अगर हम शार्प नाइफ लेते हैं तो वो जो एप्पल है वो इजिली कम फोर्स लगाए भी कट हो जाएगा. बट अगर हमारा जो नाइफ है वो शार्प नहीं है तो हमको उस एप्पल को कट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स को लगाने की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड एग्जाम्पल है अगर हमको कोई नेल हमारे पास में है और अगर हमको वो नेल को वुडन ब्लॉक में लगाना है तो हमको उसको हैमर से जोर से हिट करना पड़ेगा. जब भी उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम हिट करेंगे नेल के तो ही वो जो नेल है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाके एडजस्ट हो पाएगी या फिर लग पाएगी. प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि प्रेशर अगर हम एक बैलून में एयर फिल करेंगे तो वो जब तक उस बैलून में एयर फिल होगी जब तक उसके बैलून के उसमें इतना फोर्स लगाएंगे कि वो बैलून इजिली एयर को कंप्रेस कर सके. अगर उसमें फोर्स ज्यादा लग जाएगा, एयर ज्यादा फिल हो जाएगी तो जो बैलून है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. आवर एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन माउंटेन पे जाता है या हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसके नोज से ब्लीड आना स्टार्ट हो जाता है. वो क्यों हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है वो हमारी बॉडी के प्रेशर से, हमारा जो बॉडी प्रेशर रहता है वो उसके अकॉर्डिंग में वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा कम रहता है, जिसके कारण ही हमारा जो नोज है उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है. हम एक बार रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज प्रेशर. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड प्रेशर. द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर. फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर में हम एग्जाम्पल देखेंगे बैलून का. व्हेन एयर इज फिल्ड अ रबर बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड. मीन्स जब भी हम वो बैलून को एयर फिल करेंगे तो वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और अगर एक ज्यादा फोर्स लगेगा तो जो बैलून है वो बर्स्ट आउट भी हो जाएगा. लास्ट हमारा है लास्ट टॉपिक एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर में हम देखेंगे जो भी प्रेशर एयर के थ्रू लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर. जिसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था कि जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे नोज से ब्लीड आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि माउंटेन्स के कंपैरिजन में हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो ज्यादा रहता है, इसलिए हमारे नोज से ब्लीड आना स्टार्ट हो जाता है. होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.
Now, the most important thing, as we all aware of COVID-19, it's my humble request to all the students to stay home and stay healthy and keep social distancing. Wash your hands for 20 seconds when you came from outside. Thank you.